हेलो, वेलकम टू निधि इजी एंड क्विक खाना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको कस्टर्ड की मैजिक पुडिंग सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए दूध, जिसमें हम थिक कस्टर्ड बनाएंगे। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल थिक होगा। उसके अकॉर्डिंग हम चीनी लेंगे। चीनी आप कम बेसी कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर लेंगे, मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून लिया है क्योंकि हमें थिक बनाना है। ब्रेड की स्लाइसेस लेंगे, मैं यहाँ पे 6 ब्रेड ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं लूँगी कस्टर्ड पाउडर। मेरा कस्टर्ड पाउडर मैंगो फ्लेवर का है, आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे मेन मैं मैजिक डालूंगी, वो है जैम। मैं यहाँ पे मिक्स्ड फ्रूट जैम ले रही हूँ। अब मैं एक कप में कस्टर्ड पाउडर डालूंगी और उसको दूध से, नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध से, उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये अच्छा सा घोल हमारा तैयार हो गया। उधर दूध मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। अब उसमें मैं ये डाल दूंगी कस्टर्ड, और साथ ही साथ मैं चीनी ऐड कर दूंगी। और इसको कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है क्योंकि हमें इसे थिक बनाना है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो ये जम जाएगी नीचे। इसे चलाते रहना है, ये तुरंत ही थिक हो जाती है। देखिए, बस इसे चलाते रहना है। मिक्स करते रहेंगे हम इसे और ये हमारी रेडी हो गई। अब हम ब्रेड की स्लाइसेस लेंगे, उसके सारे किनारे से हम उसे कट कर देंगे। ये किनारे को आप फेंके ना, इसको आप ब्रेड क्रम यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, और इस पे हम जैम लगाएंगे। खूब सारा जैम ऐड करेंगे इसमें, और उसके ऊपर से या तो आप कोई फ्रूट्स डालें, ऑरेंज डालो, बनाना डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो, फिर उसके ऊपर से एक ब्रेड डाल के उसे ढक दूंगी। ऐसे करके मैं सारे ब्रेड स्लाइसेस की रेडी कर लूँगी और इसे एक बाउल में रख लूँगी। ये देखिए, मैंने रख लिया है सारे पीसेस को। अब इनके बीच में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डालो, फ्रूट्स डालो, टूटी फ्रूटी डालो। ऊपर से कस्टर्ड डालूँगी और उसको फिर गार्निश कर लूँगी। या तो आप फ्रूट से करो, ड्राई फ्रूट से, जेम से, किसी चीज़ से भी कर सकते हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे मैं फ्रिज में सेट होने के लिए 30 मिनट के लिए रख दूँगी और इसे सर्व करूँगी। ये खाने में बहुत यमी होता है, बहुत टेस्टी होता है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका। थैंक यू।